पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री कटासराज की तीर्थ यात्रा की अनुमति विदेश मंत्रालय से केंद्रीय सनातन धर्म सभा उत्तरी भारत को प्राप्त हुई है। सभा के उत्तरी भारत के अध्यक्ष शिव प्रताप बजाज ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार तीर्थ यात्रियों का जत्था 20 दिसंबर को बाघा बॉर्डर पहुंचकर पाकिस्तान के लाहौर पहुंचेगा और 25 दिसंबर को ये दल श्री कटासराज समेत कई स्थानों के लिए यात्रा करते हुए वापस लौटेगा। यात्रा की अनुमति के मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के कारणों से पिछले 2 सालों से ये यात्रा स्थगित होती रही और अब उम्मीद है कि ये यात्रा कुशल पूर्वक संपन्न होगी। ये जी हमारे महान तीर्थ स्थान हिंदुओं के पाकिस्तान में श्री कटासराज जो महाभारतकालीन है तीर्थ स्थान, उसकी यात्रा के लिए हमने भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को निवेदन किया कि 1972 के प्रोटोकॉल इंडो पाक प्रोटोकॉल के अनुसार हमें इजाज़त दी जाए और ये प्रोग्राम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजा था जो 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का है। तो पिछले कई बीमारियां के कारण सारा उथल पुथल सारे प्रोग्राम होते रहे, लगभग 2 साल मतवातर ऐसे हालात बने रहे कि हमारी यात्रा पूर्णता वहाँ हम यात्री नहीं भेज सके। हालांकि वर्ष में 2 बार इजाज़त है श्री कटासराज यात्रा के लिए। एक पहला जत्था जो है वो नवंबर दिसंबर में जाता है, उसके बाद सेकंड जो जब भी शिवरात्रि हो, फरवरी में हो, अप्रैल मार्च में हो, तो इस प्रकार से शिवरात्रि के मौके पर जाता है। तो अब हमने यात्रा 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 2022 के लिए अप्लाई किया था। तो ये खुशी की बात है कि भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा हमें स्वीकृति मिल गई है कि ये यात्रा भेज देंगे। तो अब हम तैयारियां में लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र पासपोर्ट कुछ हमारे पास इकट्ठे 50-60 हैं और इसके बाद यात्री जो श्रद्धालु हैं वो मतवातर उनको मालूम हो गया है यात्रा इस बार होगी। तो